तो गुरु लोग आ जाओ सब, क्योंकि इस वीडियो में बात होगी उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो थॉर लव एंड थंडर के डिलीटेड सीन्स देखने से बाद में हम सभी के स्पेशली मेरे माइंड में आए, और अगर कुछ छूट जाए तो यार नीचे कमेंट्स में बता देना। उस टॉपिक को क्लियर करने के साथ एक शॉर्ट आपके स्पेशली आपके नाम कर दी जाएगी। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे वो ये हैं। नंबर वन, थैनोस एटर्निटी के पास क्यों नहीं गया। अगर डिलीटेड सीन्स देखने से पहले का मेरा थ्योरी या एक्सप्लेनेशन जानना हो तो इस शॉर्ट को देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने चार पोजीशंस समझाई हैं जो हो सकती थी, और अगर देखनी ही है तो पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। नंबर टू, एवेंजर्स एटर्निटी के पास क्यों नहीं गए। नंबर थ्री, कौन कौन से एवेंजर्स प्योर थे जो एटर्निटी के पास जा सकते थे। नंबर फोर, ये प्योर होने वाली बात हमें कहां से पता चली। नंबर फाइव, गौर ने बच्चे क्यों चुराए। और नंबर सिक्स, अगर इस सीन को डिलीट ना किया गया होता मेन थिएट्रिकल कट वाली मूवी में से, तो कुछ कैरेक्टर्स के पूरे रोल ही पिक्चर में से ख़त्म हो जाते, और वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। तो आइए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। वैसे अगर तुम किसी टॉपिक को स्किप करना चाहो तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, इटर्निटी के पास थैनोस क्यों नहीं गया। अब इस पर आप सभी की अलग अलग राय हो सकती थी, लेकिन अब इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्योंकि थैनोस गलत था, वो प्योर नहीं था, उसकी जो आत्मा है वो प्योर नहीं थी। और इटर्निटी के पास जाने के लिए इंसान की या किसी जीव की आत्मा का प्योर होना, शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर टू, एवेंजर्स इटर्निटी के पास क्यों नहीं गए। हाँ देखो, वो जा सकते थे क्योंकि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर था, लेकिन उन्हें शायद इस बात का पता ही नहीं था कि बिना चुटकी बजाए भी आधी पॉपुलेशन को जिंदा किया जा सकता है। वैसे अगर ऐसा कर लेते तो आज हमारे आयरन मैन हमारे बीच होते। तो देखो, वो जा सकते थे लेकिन शायद उन्हें इस बारे में पता नहीं था। लेकिन फिर भी अगर उन्हें पता होता तो इससे लेकर कर आता है हमारा टॉपिक नंबर थ्री, कि इटर्निटी के पास जाने के लिए कौन कौन से एवेंजर्स प्योर थे जो इटर्निटी का गेट खोल सकते थे। तो देखो यार, सबसे पहले अगर बात की जाए लव यू 3000 की, तो हम चाहे उन्हें कितना भी प्यार करते हों लेकिन वो प्योर नहीं थे। और मैं जानता हूं कि इस बात से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन वो प्योर नहीं थे। नंबर टू, हल्क। तो हल्क को हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो भी प्योर नहीं है इन माय ओपिनियन। नंबर थ्री, अगर बात की जाए हॉकाई की, तो हॉकाई भी एक इंसान है, उसे काफ़ी सारे ऐसे कदम उड़ा, यार छोड़ो ना, हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि प्योर होने को म्योनीर से अच्छा कौन चेक कर सकता है। ना आयरन मैन, ना हल्क मतलब ब्रूस बैनर, ना नताशा ने तो शायद ट्राई भी नहीं किया था, ना हॉकाई, इनमें से कोई भी म्योनीर को नहीं उठा पाया था। मतलब ये लोग प्योर नहीं थे। प्योर थे तो अपने कप्तान साहब कैप्टन अमेरिका और हमारा थॉर, और वो दोनों एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पर भी प्योर थे, वर्दी थे, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में ही थॉर ने भी अपना म्योनिर उठाया था, और कैप्टन ने तो थॉर की जान म्योनिर उठाने के बाद बचाई ही थी। तो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है टॉपिक नंबर फोर, कि ये प्योर होने की बात हमें कहां से पता चली। तो इस मूवी का एक डिलीटेड सीन है जहां हमें दिखाया गया है कि ज्यूस, चलो शुरू से ही एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हमें दिखाया गया है कि हमारा थॉर और हमारी जेन, जब मिडगार्ड आने के बाद, अर्थ पे आने के बाद, जब जेन का कैंसर काफी भयानक रूप लेने लगता है और वहां पे थॉर और जेन के बीच एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है, तो वहीं से अपने ज्यूस चचा एक पर्दे के पीछे आइसक्रीम चाट रहे होते हैं, और वो वहां से निकल कर कहते हैं कि अरे भाई थॉर यार, तू तो इमोशनल बंदा निकला। उसके बाद वो उसी गार्डन में जहां से थॉर टेलीपोर्ट हुआ था गौर से लड़ने के लिए, उसी गार्डन में वो जाते हैं, वहीं पे बात करते हैं, और वहीं पे जब थॉर ज्यूस से बोलता है कि तुम तो देवताओं के राजा हो, तुम हमारे साथ लड़ने क्यों नहीं चल रहे, तो अपने ज्यूस चचा वहां पे कहते हैं कि मैं प्योर नहीं हूं। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि अपने नोटी नोटी ज्यूस चचा प्योर नहीं थे, और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि इटर्निटी के पास जाने के लिए इंसान का जो हार्ट है वो प्योर होना बहुत जरूरी है। और नंबर फाइव पे जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गौर ने बच्चे क्यों चुराए। तो इसका आंसर भी हमें अब मिल चुका है, क्योंकि गौर एक तबाही के रास्ते पर निकल चुका था, उसके अंदर बदले की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, तो इसीलिए वो भी प्योर नहीं था, क्योंकि वो एक गलत रास्ते पर था और ये बात वो खुद भी जानता था। इसीलिए उसने उन बच्चों को वहां से चुराया, क्योंकि उन्हीं के थ्रू वो इटर्निटी का गेट खोल सकता था, और सिर्फ प्योरिटी इटर्निटी का गेट खोलने के लिए ही चाहिए, तो वो उन बच्चों की बलि देकर वहां इटर्निटी का गेट खोल सकता था। लेकिन ये सीन मैन मूवी से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि भाई डिज्नी वाले एक PG-13 मूवी में ये नहीं दिखा सकते। ओके, तो आज का हमारा लास्ट सवाल कि किस सीन को डिलीट नहीं किया होता तो पूरी मूवी में से किन किन कैरेक्टर्स का पूरा रोल ही
कट जाता। तो इसका एक सीधा सिंपल आंसर यह है कि मूवी में से रॉकेट और ड्रैक्स का रोल पूरी तरह से कट जाता अगर इस सीन को डिलीट ना किया होता तो, क्योंकि मूवी में ड्रैक्स सिर्फ ये बात बोलता है कि हम सब मरने वाले हैं और रॉकेट ये बोलता है कि तू तो कह रहा था कि यहाँ जन्नत के मजे मिलेंगे, जब थॉर ये कहता है मरे बिना जन्नत कहाँ मिलती है मेरे दोस्त। तो यार ये सीन पहले थिएट्रिकल कट से पहले मूवी में ये दोनों बातें अपना पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड बोलने वाला था और ये बात भी हमें इस डिलीटेड सीन में ही पता चली। लेकिन ये सब इस डिलीटेड सीन को उन्होंने काट दिया तो अच्छा हुआ, इसी वजह से हमें गार्जियंस की टीम को भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेकंड का टाइम देने का मौका मिल गया। और जिस टाइप का ये डिलीटेड सीन था, मैं खुद चाहता हूँ कि इसे अच्छा ही किया जो इसे डिलीट कर दिया। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यहीं पर पेलते हैं मूवीज का ज्ञान, क्योंकि चैनल का नाम ही है मूवीज ज्ञान। तो यार देखो नाम देखो, चैनल का नाम है मूवीज ज्ञान और उसी के पास में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब्ड कर दो, ग्रे बना दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यही थी आज की वीडियो, यही थे आज के टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट्स करके बताना कि तुम्हें कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे माइंड में आए, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड शॉर्ट बनाऊंगा और उसमें आपको एक शॉर्ट आउट भी दूंगा। और तुम्हें अगर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना है तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मेरी दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।